की हमारी गुफ्तगू के हवाले से, और ये भी कहा गया था कि आपके जो एतराज़ात वगैरह होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। लेकिन और लास्ट कॉन्फ्रेंस में मैंने ये भी अर्ज़ किया था कि आज के प्रोग्राम में जो अहबाब सवाल करना चाहते हैं उनके सवालों के जवाब देंगे और एक मुस्तकिल गुफ्तगू होगी। लेकिन चूँकि उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा अश्शेख मुफ्ती यार मोहम्मद कादरी साहब से एक नहायत ही अहम मीटिंग थी, और उस मीटिंग की वजह से काफ़ी ताखीर हो गई, जिसकी वजह से मैं भी मज़द का फस्तगार हूँ। और आज की हमारी इस बज़म में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा जानशीन हज़रत क़िबला मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह जनाब साहिबज़ादा क़िबला अब्दुल मुस्तफ़ा हज़ारवी मुंतज़िर उलाली हमारी इस बज़म की रौनक बने। बल्कि मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा, हज़रत आप सामने ज़रा आ जाएँ ताकि सब अहबाब आपकी ज़ियारत कर लें। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ताकि तमाम अहबाब, चूँकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का तहक्कुम है, और हज़रत इस वक्त अभी कुछ देर पहले दीगर बुजुर्गों से भी बात हुई है, मुफ्ती रहमान कादरी साहब से बात हो रही थी, बता रहे थे कि इतने कम वक्त में कम उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत ने दो इनकलाबी काम पाकिस्तान में किया है इल्मी नशिस्तों में, वो हकीकतन इस बात का इनादार है कि हज़रत हकीकतन मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन हैं। सुभानअल्लाह। और हम हज़रत को खुश आमदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा। हमने ये ऐलान किया था कि हमारी जितनी भी महाफिल इनात हुआ करती हैं इनमें नज़रियाती बयानात भी होते हैं, और गुज़श्ता महफिल में इस तरह ऐलान किया गया था कि चंद गैर नज़रियाती लोग भी आए हुए थे, भी हबीब जामी भी बता रहे हैं कि इतराज़ था कि हमें सवाल का मौका दिया गया लेकिन जवाब नहीं दिया गया चूँकि वक्त बहुत कम था। तो आज भी वक्त बहुत कम है, मैं सिर्फ एक बात का जवाब अपने अकाबिर की मौजूदगी में अर्ज़ करता हूँ। ये हनफी फिक पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, उसने कहा था कि मैं दरस निज़ामी का आलिम हूँ, और हर चंद के कुछ लोग ऐसे हैं जो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी मिसल बशर कहते हैं, लेकिन हम ममाती नहीं हैं, हम हयाती हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की हयात के कायल हैं। लेकिन क्या ये बात हकीकत पर मबनी नहीं है कि अगरचे हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अपनी मिसल कह देते हैं, या हमारे चंद जाहिल लोग ऐसे भी हैं हम में जो ममाती ग्रुप से इनका ताल्लुक़ है और वो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मिसल कह देते हैं, लेकिन आप में तो भी ऐसा तबका पाया जाता है जो हुजूर को हाजिर नाजिर कहता है और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म को अल्लाह के इल्म से मिला देता है फ़कत अताई और ज़ाती की तफरीक के साथ। तो इस हवाले से एक तनकीद हम पर की गई थी, मुफ्ती साहब से भी आगे इस हवाले से बात हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी महाफिल में अपने अकायद की तनकीह किया करते हैं, बहुत वजाहत के साथ हम बयान करते हैं कि आला हज़रत अली रहमा के अकायद को आप पढ़ें, हम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के इल्म को अल्लाह के इल्म की मिसल हरगिज़ नहीं कहते, ये हमारा अकीदा नहीं है, ये हमारा अकीदा और नज़रिया नहीं है, इस पर बड़ा तफसीली कलाम किया जा सकता है। और दूसरा आपका ये कहना कि फ़कत अल्लाह ही हाजिर व नाजिर है, किसी गैर को हाजिर व नाजिर कहना शिर्क है और ये कुरान व सुन्नत से साबित नहीं, तो गुज़श्ता कॉन्फ्रेंस में भी हमने ये चैलेंज किया था, आज एक मज़ीद हम चैलेंज करते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुरान व सुन्नत से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का हाजिर व नाजिर होना साबित नहीं है, तो आप साबित कर दें कुरान व सुन्नत में कहाँ लिखा है कि अल्लाह हाजिर व नाजिर है। कुरान करीम की कोई आयत या शरा शरीफ में कोई ऐसी हदीस आपको नहीं मिलेगी जिसमें हाजिरुन व नाजिरुन, हाजिरुन नाजिरुन अल्लाह के लिए लिखा गया हो, अल्लाह के कलाम में भी आपको नहीं मिलेगा, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमान में भी आपको नहीं मिलेगा। याद रखिए हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल के जितने भी अस्मा हैं, अस्माए अल्लाह तौकीफिया हैं, ये मौकूफ़ हैं अलल इज़्नि शरई, इज़्नि शरई पर मौकूफ़ हैं, यानी अल्लाह अज़्ज़ वजल की ज़ात के लिए किसी ऐसे नाम का इतलाक हम अपनी जानिब से नहीं कर सकते, अगरचे अफ़ाल में आया हो, अगरचे कोई ऐसा फ़ेल हो, इस तरह है वअल्लमा
आदम अल अस्मा कुल्लहा अल्लामा युअल्लिमु आया है, लेकिन अल्लाह को मुअल्लिम नहीं कह सकते, अल्लाह को मुअल्लिम नहीं कह सकते, अगरचे अल्लामा आया है। अर रहमान अल्लामा अल कुरान खलक अल इंसान अल्लामा अल बयान, उसमें भी अल्लामा आया है, लेकिन फिर भी अल्लाह को हम मुअल्लिम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अल्लाह के तमाम अस्मा मौकूफ हैं इज़्ने शरई पर। अगर शरीयत इजाजत देगी तो फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की जात के लिए हम ऐसे अस्मा का इतलाक कर सकते हैं। दूसरी बात, अबुल हसन अशरी रहमहुल्लाह जो हमारे मजहब के इमाम हैं, अकीदे के इमाम हैं, उन्होंने तो यहां तक इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह के लिए लफ्ज नाजिर का इस्तेमाल करना जायज नहीं है, अल्लाह को नाजिर कह ही नहीं सकते। और इसमें अगर आप मकामात का हाशिया पढ़ लें या शरा ख्याली पढ़ लें, हाशिया ख्याली पढ़ लें, बड़े वाज़ह अल्फाज में बयान फरमाया गया है कि नाज़िर, लफ्ज़ नाज़िर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की शान के लायक ही नहीं है लफ्ज़ नाज़िर का इतलाक, क्योंकि नाज़िर और देखने और देख लेने में फ़र्क है। एक होता है देखना, एक होता है देख लेना, किसी को देखना और किसी को देख लेने में फ़र्क है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ मैंने फलां चीज़ को देखा लेकिन मुझे नज़र ना आई, मैंने देखा लेकिन मुझे फलां चीज़ नज़र ना आई। मकामात के हाशिए में है ना, रुयत इदराकुल मरई व नज़र हुवल इक़बाल बिल बसर नहवल मरई लिज़ालिका मिन्हु ला युक़ालु लिल्लाही नाज़िर क़द यंज़ुरु व ला यराहु। कभी कभी ऐसे होता है कि इंसान देखता है लेकिन इंसान को नजर नहीं आता, क़द यंज़ुरु व ला यराहु, लेकिन अल्लाह ऐसा नहीं है जो कभी कभी देखता हो उसे नजर ना आए, कभी कभी देखता हो उसे नजर ना आए, अल्लाह जब भी देखता है उसे नजर आता है, वो हमेशा देखता है। अल्लाह की रुयत में ऐसा दवाम है कि वो हमेशा देखता है, लिहाजा अल्लाह के लिए लफ्ज नाजिर का इतलाक शरअन जायज ही नहीं है। अगर अल्लाह के लिए लफ्ज नाजिर का इतलाक शरअन जायज ही नहीं है तो फिर आप कैसे कहते हैं कि अल्लाह की सिफत है? और फिर आप कहिए कि अल्लाह के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ऐसे लफ्ज का इतलाक करना शिर्क है। शिर्क तो तब होता जब ये अल्लाह के लिए शरीयत में आया हो, नाजिर का लफ्ज अल्लाह के लिए कुरान और सुन्नत में आया ही नहीं है। अब इस पर एक इतराज आता है कि नाजारा यंजुरु तो आया होगा ना, अगर नाजारा यंजुरु आया है तब भी नाजिर अल्लाह को कहना जायज नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के लिए अल्लामा आया है, युअल्लिमु भी आया है, लेकिन फिर भी चूंकि इस बंदे ने कहा है ना कि ये दरसे निजामी पढ़ने पढ़ाने वाला है और हम दरसे निजामी के इसबाक पढ़ते हैं पढ़ाते हैं मुदर्रिस है, तो मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या आप अल्लाह को मुअल्लिम कहते हैं? अगर तो गैर मुकल्लिद होते तो फिर हमारी अप्रोच मुख्तलिफ होती, लेकिन चूंकि ये तकलीद करने वाले हैं दरसे निजामी की किताबें पढ़ते पढ़ाते, तो हम उनसे पूछते हैं अल्लाह के लिए लफ्ज़े अल्लामा आया है, फेल अल्लामा आया है, लेकिन मुअल्लिम नहीं कह सकते, और ये आपके अकादिर ने भी कहा है, तो अगर नाजारा आया है तो फिर भी नाजिर नहीं कह सकते क्योंकि इसमें एक शरीक है। इसी तरह आपका ये कहना कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इल्म को हम अल्लाह के इल्म की तरह कहते हैं, याद रखिए इस पर तो मेरा एक पूरा लेक्चर है, मुकम्मल डीवीडी हम बना चुके हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के इल्म को वो निस्बत भी हासिल नहीं जो एक कतरे को समुंदर से हासिल होती है। यानी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म अगर किसी जाहिल वाइज ने यह कह दिया, इस तरह इतराज किया गया था कि फलां शख्स ने कहा कि अल्लाह ने अपने महबूब को इतना इल्म दे दिया, वो जितना जानता था सारा दे दिया, हमारा तो ये नजरिया ही नहीं, हमारा तो ये अकीदा ही नहीं है। हमारे जितने भी अकाबरीन हैं उनकी किताबें पढ़ने आला हज़रत रहमा की इस पर मुफस्सल गुफ्तगू है, मुफस्सल कलाम है, हमारा ये नजरिया हरगिज नहीं है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वो सारा इल्म दिया जो अल्लाह जानता है, ये हमारा नजरिया नहीं है। हमारा अकीदा ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हर उस शय का इल्म दे दिया जो हुज़ूर नहीं जानते थे, वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। इस माँ के उमूम में इतनी वसअत है जो इंसान के इदराक से बालातर है, इंसान के फहम व इदराक से मुतजावज़ है,
इंसान उसका इहाता ही नहीं कर सकता। यानी रब ने फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तअलम वकान फद्लुल्लाह अलैका अज़ीमा। मेरे महबूब तेरे रब ने तुझे तेरे रब का तुझ पर फजल अजीम हुआ और वो क्या था कि तेरे रब ने तुझे कायनात के जर्रे जर्रे और जमीन के चप्पे चप्पे का इल्म अता फरमा दिया। हर वो शय जिसका इंसानी अकल इदरा कर सकता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, लेकिन इसका हर किसी मतलब नहीं कि हुजूर को अल्लाह ने हुजूर को वो इल्म दे दिया जो अल्लाह खुद जानता है। ये हमारा नजरिया है ही नहीं। दूसरा, इस हदीस से मैंने दलील पकड़ी थी वो ये था इन्नल्लाह ताला कद रफा अलियल अर्द फअना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल कियामा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने इस जमीन को मेरे लिए बुलंद कर दिया और मैंने देख लिया हर उस शय को जो कयामत तक के लिए वकूफ पजीर होगी। अब इसे कहा गया कि हुजूर अगर हमेशा देख रहे हैं, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहदे में दवाम है, अगर हुजूर हमेशा देख रहे हैं तो अल्लाह भी हमेशा देख रहा है, और अगर अल्लाह और हुजूर हमेशा देख रहे हैं तो दोनों के देखने में फर्क नहीं रहा। तो इसमें हमारे उलमाए बलागत ने बहस की है और इस पर हजरत अल्लामा अता मोहम्मद बिदयालवी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने बड़ी तफसीली बहस की है कि देखिए एक उसूल है, अगर मकाम जुमला फ़िलिया का हो और जुमला इस्मिया आ जाए तो वो दवाम का फायदा देता है। जुमला फ़िलिया का मकाम हो यानी इन्नल्लाह रफा अलियल अंजुरु इलैहा, मकाम तो जुमला फ़िलिया का, रफा फ़िल मादी है, अब मकाम तक फनजरतु इलैहा यानी अल्लाह ने मेरे लिए जमीन को बुलंद किया और मैंने देख लिया। नजर तो का माना था देख लिया, उसका माना होता एक मरतबा देख लिया पूरी कायनात को, अब दवाम साबित ना होता। लेकिन मकाम जुमला फेलिया का था ना, जुमला फेलिया की जगह क्या इस्तेमाल हुआ, जुमला इसमें इस्तेमाल हुआ यानी फनजर तो नहीं फरमाया फअना अंजुरु, जुमला इसमें का इस्तेमाल हुआ। इसका माना यह है कि हुजूर हमेशा देख रहे हैं, हमेशा देख रहे हैं। अब इस पर एतराज किया गया कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा देख रहे हैं तो अल्लाह भी हमेशा देख रहा है। याद रखिए दवाम की दो किस्में हैं, अगर जुमला इस्मिया जुमला फेलिया की जगह इस्तेमाल होता है तो देखना पड़ेगा कि जुमला इस्मिया की खबर इसम है या फेल है। अगर जुमला इस्मिया की खबर फेल मुजारे है तो वह दवाम तजद्दुद का फायदा देता है। दवाम तजद्दुद क्या होता है, फर्क है। हम कहते हैं ना अक्सर फलां शख्स हमेशा चावल खाता है, फलां शख्स हमेशा चावल खाता है, तो क्या इसका यह माना हुआ कि वो हमेशा चावल ही खाता रहता है और कुछ नहीं करता, वो नमाज नहीं पढ़ता, इबादत नहीं करता और कोई काम भी नहीं करता, फकत चावल ही खाता रहता है, क्या इसका यह मतलब है? नहीं, इसका माना है जब भी खाता है चावल ही खाता है। फलां शख्स हमेशा अंग्रेजी बोलता है तो क्या इसका माना यह खामोश कभी नहीं होता? नहीं, जब भी बोलता है अंग्रेजी ही बोलता है। तो इसमें भी तमाम है ना, इसमें भी तमाम है, इसमें भी हमेशगी है, लेकिन इस हमेशगी को कहते हैं दवाम तजद्दुद। ये अल्लाह के लिए साबित नहीं है, हम नहीं कहते कि अल्लाह के लिए कि अल्लाह के दवाम में तजद्दुद है, लेकिन हमारे अकाबरीन ने फरमाया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम दवाम तजद्दुद मानते हैं। यानी हुजूर के इलम और अल्लाह के इलम में जमीन और आसमान का फर्क है। हुजूर के इलम में इनकिता का इम्कान है, अल्लाह के इलम में इनकिता का इम्कान ही नहीं है। जब इस बात की वजाहत हो गई, हमारे इस अकीदे की वजाहत हो गई कि हम हर किसी ये नहीं कहते कि हुजूर का इलम अल्लाह की तरह है, और अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाजिर और नाजिर मानते हैं तो इसका हर किसी ये माना नहीं कि हम शिर्क करते हैं, क्योंकि लफ्ज हाजिर और नाजिर अल्लाह के लिए साबित ही नहीं है। तो ये बात वाजे हो जाती है कि इन लोगों ने हमारे अकायद को दर हकीकत पढ़ा ही नहीं है। हम तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदुल कौनैन मानते हैं, कौनैन का वाली मानते हैं। अल्लाह हजरत फरमाते हैं ना सैयद कौनैन, अल्लाह वैसे ज़ाकादी साहब इसकी वजाहत बाद में करेंगे अपने कलाम में, और इनके कलाम इनका कलाम भी जब ये पढ़ते हैं तो नजरियाती बयान साथ जारी रहता है। सैयद कौनैन सुल्तान जहां जिल यजदा शाहिदीन अर्श आसतां, हां सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आगे क्या है, कुल से आला कुल से ओला कुल की जान,
कुल के आका, कुल के हाथी, कुल की शान। सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये बड़ी एक खूबसूरत सनत है जिसका